हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आउट द डाउट्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास एट की माइलस्टोन की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 6 द माउस ट्रैप का पार्ट 3 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने चैप्टर के पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो पार्ट 3 को देखने से पहले पार्ट 1 2 देख लीजिए ताकि चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चैप्टर की प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि एक सार्जेंट जो है मॉन्क्सवेल मैनोर गेस्ट हाउस में आते हैं। वहाँ पे जो गेस्ट थे और वहाँ के जो मालिक थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अभी जो मिस केजवेल है वो कहती है लॉन्गरीज फार्म वॉजंट दैट वेयर दोज थ्री चिल्ड्रन, ये वही तो नहीं है जो यहाँ पे तीन बच्चे, वो इतना कह के रुक जाती है। अब ट्रोटर कहते हैं यस दैट इज़ राइट, हाँ ये बिल्कुल सही है, द कोरिगेंस वाला केस, टू बॉयज एंड अ गर्ल, दो लड़के और एक लड़की, अ होम वॉज फाउंड फॉर द चिल्ड्रन एट स्टेनिंग हाउस में बच्चों का इनका घर पाया गया है। यंगेस्ट बॉय डाइड ड्यू टू नेग्लेक्ट एंड परसिस्टेंट इल ट्रीटमेंट, जो सबसे छोटा लड़का था वो लापरवाही के कारण और दूसरा अच्छे ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। द स्टेनिंग्स वर इम्प्रिजेंड, अब यहाँ पे जो स्टेनिंग्स थे उनको जेल में डाल दिया गया था। यहाँ पे स्टेनिंग्स का मतलब है कि स्टेनिंग हाउस के जो मालिक थे वहाँ की उसकी वाइफ और जो हस्बैंड थे उनको क्या जेल में डाल दिया गया। मिस्टर स्टेनिंग डाइड इन प्रिजन, जो मिस्टर स्टेनिंग थे उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। वाइल मिसेज स्टेनिंग वॉज मर्डर्ड यस्टरडे, और जो मिसेज स्टेनिंग थी उनको कल जो है मार दिया गया किसी के द्वारा, जिसका केस के बारे में यहाँ पे मैटर चल रहा है। अब मोली कहती है डू यू नो हु डिड इट, आप जानते हो कि किसने किया। तो ट्रोटर कहता है नोटबुक वॉज फाउंड इन द सीन ऑफ द क्राइम, क्राइम के सीन पे जो है वहाँ पे एक नोटबुक मिली है। इट हैड टू एड्रेसेस, इस पे दो एड्रेस मिले हैं, वन वॉज कल्वर स्ट्रीट, एक कल्वर स्ट्रीट का, फिर मिसेज ट्रेनिंग लीव्ड एंड द अदर वॉज मॉन्क्सवेल मैनोर। अब यहाँ पे जो कल्वर स्ट्रीट है वहाँ पे तो कौन, मिसेज स्टैनिंग रहती थी, और दूसरा कहाँ का है, मॉन्क्सवेल मैनोर उस गेस्ट हाउस का है जहाँ पे वे सभी हैं। दैट इज़ वाई द पुलिस थॉट, इसीलिए पुलिस ने सोचा दैट इट वॉज इम्पेरेटिव फॉर मी, कि ये मेरे लिए अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा टू कम, यहाँ पे मैं आऊँ एंड फाइंड द कनेक्शन बिटवीन योर हाउस एंड द लॉन्गरीज फार्म केस, और क्या करूँ मैं ढूंढूँ यहाँ पे कि क्या कनेक्शन है आपके इस गेस्ट हाउस के बीच में और लॉन्गरीज जो फार्म का केस है उसके बीच में। आई एम ऑल्सो टू इंश्योर सेफ्टी, और मुझे आपकी सेफ्टी की भी चिंता थी। अब गिल्स कहता है सेफ्टी, सुरक्षा, आर यू सजेस्टिंग दैट समबडी इज गोइंग टू बी किल्ड, तो आपके कहने का मतलब ये है कि कोई मारा जाने वाला है। ट्रोटर कहता है देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है। बिलो द एड्रेसेज वॉज रिटन द फर्स्ट लाइन ऑफ द नर्सरी रीम, अब यहाँ पे जो एड्रेस लिखे गए थे उसके नीचे एक नर्सरी की रीम थी, कोई नर्सरी की कविता थी, थ्री ब्लाइंड माइस, जिसका नाम है थ्री ब्लाइंड माइस, तीन अंधे चूहे, एंड पेपर हैड द ड्रॉइंग ऑफ द थ्री ब्लाइंड माइस, और एक पेपर था उसके ऊपर ड्रॉइंग की गई थी तीन अंधे जो है चूहों की। तो मोली कहती है गाती है क्या, थ्री ब्लाइंड माइस सी हाउ दे रन, दे ऑल रन आफ्टर द फार्मर्स वाइफ, इस तरह से ये पोएम है और मोली उसको सिंग करती है। अब डॉटर कहता है द डॉटर वॉज अडॉप्टेड बाय समवन, अब वहाँ पे उन तीनों बच्चों में से जो लड़की थी उसको किसी के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था, एंड वी हैव नो ट्रेस ऑफ हर, उसका हमें कोई भी जो है ट्रेस या सुराग नहीं मिला। द एल्डेस्ट बॉय वुड बी अबाउट 22 एंड हैज डिजर्टेड द आर्मी, और जो सबसे बड़ा जो लड़का था वो कम से कम 22 साल का हो गया होगा। अब नैरेटर कहता है सर्जन ट्रोटर बिगिंस टू इंटरोगेट देम, और जो है वो आर्मी में चला गया, जो लड़का था सबसे बड़ा वो जो बीच से छोटा जो लड़का था उसकी तो मृत्यु हो गई थी, वो जो लड़की थी उसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया था, और सबसे बड़ा जो लड़का था वो कम से कम 22 साल का हो गया होगा, और वो आर्मी में जो है उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। अब नैरेटर कहता है सर्जेंट ट्रोटर बिगिंस टू इंटरोगेट देम, जो सर्जेंट ट्रोटर हैं वो उनको इंटरोगेट करना शुरू कर देते हैं। पैराविकिन इज़ अ फॉरनर, अब यहाँ पे जो पैराविकिन आदमी था वो एक विदेशी था, सो हैज़ नो नॉलेज ऑफ द पास्ट केसेस इन द कंट्री, तो कंट्री के जो पास्ट केसेस थे उसकी उसे कोई भी नॉलेज नहीं थी। मिसेस बॉयल डिनाइज एनी इन्वॉल्वमेंट, अब जो मिसेस बॉयल थी उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि उनकी इस मामले में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब जो मिस केजवेल है क्लेम्स टू हैव नेवर हर्ड ऑफ द केस, वो कहती है कि मैंने तो इस केस के बारे में कभी भी नहीं सुना। मेजर मेटकाफ हैज हर्ड ऑफ द केस, मेजर मेटकाफ ने इस केस के बारे में सुना था, बट वो स्टेशन इन द एडिनबर्ग एट द टाइम, लेकिन उस समय वो तो यहाँ पे थे, वो तो
एडिनबर्ग जगह पे थे विद नो न्यू इन्फॉर्मेशन। तो कोई नई इन्फॉर्मेशन ना मिलने से द सर्जेंट गोज लुक अराउंड द हाउस। अब जो सर्जेंट है वो पूरे घर में क्या करता है, घूमने लग जाता है देखने के लिए। मिसेस बॉयल कहते हैं डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ इट, मुझे तो इसकी बात पर विश्वास ही नहीं है। मेजर मेटकाफ कहते हैं मिसेस बॉयल वरंट यू आर वन ऑफ द मैजिस्ट्रेट्स ऑफ द बेंच एट दैट टाइम, क्या आप भी वहाँ पे मैजिस्ट्रेट्स में से एक नहीं थी जब बच्चों को उस बेंच के बच्चों को वहाँ पे भेजा गया था। इनफैक्ट यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द चिल्ड्रन टू द स्टैनिंग हाउस, यहाँ तक कि आप तो जिम्मेदार हो स्टैनिंग हाउस में बच्चों को भेजने के लिए। तो मिसेस बॉयल कहती है आई कैन हार्डली बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं हूँ इसके लिए। द सीम्ड अ नाइस कपल, जिन लोगों को जो है जिस कपल को ये बच्चे दिए गए थे वो बहुत ही नाइस कपल दिख रहे थे, बहुत अच्छे लोग दिख रहे थे। अब ट्रोटर कहता है एंट्रिंग एंड पिकिंग अप द टेलीफोन, वो क्या करता है आता है और फ़ोन को उठाता है और क्या कहता है आई नीड टू नाउ गिव माई रिपोर्ट, अब मुझे मेरी रिपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी। द लाइन सीम्स टू बी डेड, मुझे लगता है कि फ़ोन की लाइन जो है वो डेड हो चुकी है। समवन मस्ट हैव कट द वायर, शायद किसी ने पक्का तार को काट दिया है। अब गिल्स कहता है कट इट, काट दिया, बट वाई शुड समवन डू दैट, पर कोई ऐसा क्यों करेगा। तो ट्रोटर कहता है मिस्टर राल्स्टन जस्ट हाउ मच डू यू नो अबाउट योर गेस्ट, मिस्टर राल्स्टन आप अपने मेहमानों के बारे में कितना जानते हो। तो गिल्स कहता है वी रियली डोंट नो मच, हाँ हम ज़्यादा तो नहीं जानते बट वी आर क्वाइट सेफ, लेकिन हम बिल्कुल सेफ है, नोबडी कैन गेट हियर बिकॉज ऑफ द स्नो, जो सभी जो है यहाँ पे बर्फ की वजह से आए हैं। ट्रोटर कहता है अनलेस ऑफ द कॉर्स द पर्सन इज ऑलरेडी हियर, जो भी हो लेकिन जो आदमी है फिर जो मर्डर है वो यहाँ पे ऑलरेडी है। ऑल दीज पीपल रीच्ड हियर जस्ट आवर्स आफ्टर द क्राइम वॉज कमिटेड, और जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो सारे क्राइम को कमिट करने के कुछ घंटों बाद ही आए हैं। आफ्टर ऑल द क्राइम्स आर प्लान्ड, और तुम्हें तो पता ही है जो भी है जो क्राइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लान्ड होते हैं पहले से ही। अब गिल्स कहता है क्राइम्स यू मीन देयर विल बी वन हियर, क्राइम्स आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वो है जिसने ये किया है। ट्रोटर कहता है देयर विल बी एन अटैम्प्ट फॉर श्योर, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो नैरेटर कहता है सर्जेंट ट्रोटर सैंड्स गिल्स टू लुक एट द एक्सटेंशन ऑफ द टेलीफोन, जो सर्जेंट है वो क्या करता है गिल्स को भेज देता है टेलीफोन की एक्सटेंशन को देखने के लिए, मतलब जो तार वगैरह हैं वो कहाँ से कटे हुए हैं देखने के लिए भेजता है। मोली एग्जिस्ट, मोली बाहर निकलती है लीविंग हर ग्लो इन अ चेयर, वो अपने ग्लोव को एक चेयर पर छोड़ देती है। गिल्स फाइंड्स अ बस टिकट टू लंडन टक्ड इनसाइड, अब यहाँ पे जो गिल्स है वो उसके वो उसका मिलता है एक टिकट मिलती है जो कि लंडन की थी, लंदन की बस की थी। ही इज़ डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ये देख के कि जो मोली है वो लंदन क्या करने गई थी। अब जो ट्रोटर है वो बाहर निकलता है। मिस बॉयल एंटर्स द एम्प्टी रूम व्हेन समबडी स्विचेस ऑफ द लाइट, जो मिसेस बॉयल है वो एक खाली कमरे में जाती है तो कोई लाइट को बंद कर देता है। स्कल ऑफ एंड स्क्रीम इज हार्ड, तो किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है बट ओवर द वॉल्यूम ऑफ द रेडियो, लेकिन जो रेडियो की वॉल्यूम थी वो बहुत ज़्यादा थी। द साउंड सीम्स मफल्ड, जो साउंड थी वो क्या हो जाती है उसके अंदर मिल जाती है और पता नहीं चलता। मोली री एंटर्स, मोली दोबारा आती है, टर्न ऑन द लाइट, वो लाइट को ऑन करती है एंड स्क्रीम्स और चिल्लाती है। व्हेन शी सीज मिसेस बॉयल बॉडी, जब वो मिसेस बॉयल की बॉडी को देखती है, मतलब मिसेस जो बॉयल थी उनको मारा जा चुका था बिल्कुल इन्हीं पलों के अंदर। ट्रोटर कहता है नाउ मिसेस राल्स्टन, मिस्टर राल्सन नाउ थिंक, सोचो डिड यू हियर और सी वन एनी वन, क्या आपने किसी को देखा या फिर सुना। तो मोली कहती है नो इट वॉज डार्क, नहीं अंधेरा था, आई स्विच ऑन द लाइट, मैंने लाइट को स्विच ऑन किया एंड सा द बॉडी और बॉडी को देखा, बट आई थिंक आई हर्ड अ डोर क्रैक, लेकिन मुझे लगा कि डोर क्रैक हुई। ट्रोटर कहता है थिंक मिसेज राल्स्टन सोचिए विच डायरेक्शन डिड द साउंड कम फ्रॉम, जो साउंड थी वो किस डायरेक्शन से आई थी, अप स्टेयर्स सीढ़ियों के ऊपर से, डाउन स्टेयर सीढ़ियों के नीचे से, राइट में, लेफ्ट में। वी आर इन्वेस्टिंग अ मर्डर, हम एक मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। देयर माइट बी अनदर डेथ, दूसरी डेथ भी हो सकती है। तो गिल्स कहता है अनदर वाई, दूसरी क्यों। तो ट्रोटर कहता है बिकॉज देर आर थ्री ब्लाइंड माइस, क्योंकि थ्री ब्लाइंड माइस थे एंड टू एड्रेसेस, और दो एड्रेस थे, वन इज़ योर्स, उनमें से एक तुम्हारा था। वेयर वर यू व्हेन मिसेस राल्स्टन स्क्रीम, जब मिसेस राल्स्टन जो है चिल्लाई तब आप कहाँ थे। तो गिल्स कहता है अपस्टेयर्स टू चेक द एक्सटेंशन, मैं तो सीढ़ियों के ऊपर गया था फ़ोन की एक्सटेंशन को चेक करने के लिए।
तो ट्रोटर कहता है, यू टुक रादर अ लॉन्ग टाइम टू डू सच अ सिंपल टास्क, एक छोटे से काम को करने के लिए तुमने बहुत लंबा टाइम ले लिया। एंड व्हाट वर यू डूइंग मिस्टर पैराविकिनी, और मिस्टर पैराविकिनी आप क्या कर रहे थे? तो मिस्टर पैराविकिनी कहते हैं प्लेइंग द पियानो, मैं तो पियानो बजा रहा था। देन आई हर्ड मिसेज राल्स्टन स्क्रीम, तब मैंने मिसेज राल्स्टन की स्क्रीम सुनी, चिल्लाई, जब वो चिल्लाई थी तो मैंने उनकी चिल्लाहट सुनी। तो ट्रोटर कहता है वेयर वर यू मिस केजवेल, मिस केजवेल आप कहाँ थी, कुड यू हियर व्हाट वॉज गोइंग ऑन, क्या आप क्या कर रहे थे और क्या हो रहा था? तो मिस केजवेल कहते हैं नो आई वॉज इन द लाइब्रेरी, मैं तो लाइब्रेरी में थी, राइटिंग लेटर्स, लेटर्स लिख रही थी। अब यहाँ पे ट्रोटर मिस्टर मेजर मेटकाफ से कहते हैं, मिस्टर मेटकाफ जस्ट लुकिंग अराउंड, मतलब आप क्या कर रहे थे? तो मेजर मेटकाफ कहते हैं जस्ट लुकिंग अराउंड, मैं तो बस चारों ओर देख रहा था।